आज हम इंग्लिश रीडर का लेसन वन जो आपको मैंने पोयम कराई थी उसके आज मैं वर्ड मीनिंग लिखवाने जा रही हूँ, जिसे आप लर्न करने के साथ साथ फेयर नोटबुक में राइट भी करोगे। ओके बेटा, इतने इजी है जो मैंने आपको पोयम के साथ भी बताए थे, आज फिर आप मेरे साथ साथ इसे रिपीट करोगे, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। बेटा देखिए, फर्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग है व्हील्स। व्हील्स मीन्स पहिए। अगर ओनली व्हील होता तो पहिया, अगर ये व्हील्स है एस लगने के बाद, व्हील्स मीन्स पहिए। व्हील्स मीन्स पहिए, इसमें आया था बस के पहिए। राउंड, राउंड मीन्स गोल, राउंड मीन्स गोल। थ्रू, के बीच, थ्रू मीन्स के बीच, कहाँ जाती थी बस, थ्रू द टाउन, और सारे नगर के बीच में जाती थी, थ्रू मीन्स के बीच। हॉर्न, हॉर्न क्या होता है बेटा, हॉर्न की आवाज, बस के द्वारा की गई जो आवाज होती है वो हॉर्न होता है, हॉर्न की आवाज। टाउन, नगर, टाउन मीन्स नगर। किड्स, बच्चे, किड्स मीन्स बच्चे, ऐसे ही अगर किड होता तो बच्चा, किड्स आ गया तो बच्चे। साउंड, आवाज, साउंड आवाज। गो मीन्स जाना। इतने इजी वर्ड मीनिंग है बेटा, आई थिंक कि आपको ये साथ के साथ लर्न भी हो जाएंगे। आप फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, व्हील्स पहिए, व्हील्स पहिए। राउंड गोल, राउंड गोल। थ्रू के बीच, थ्रू के बीच। हॉर्न आवाज, हॉर्न होता है आवाज, इसमें हॉर्न की आवाज लिखा है मैंने, आवाज। टाउन नगर, टाउन मीन्स नगर। किड्स बच्चे, किड्स बच्चे। साउंड आवाज। गो जाना, गो मीन्स जाना, इसे आप पहले लर्न करोगे और फिर नोटबुक में राइट करोगे। ओके, थैंक।